हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम भाई बोल रहे क्या? नदीम खान। हाँ जी, बुढ़ानपुर से। हाँ हाँ, मैं शकील बोल रहा हूँ, पुणे से। हाँ बोलिए ना भाई। जी भाई, मैं आपकी वो ये सुना हूँ, फेसबुक पे देखा हूँ और रिकॉर्डिंग भी सुना आपकी। हाँ हाँ, तो आप कुछ अब उसे जमीन के ताल्लुक से बता रहे थे कि आप हमारा आपसी एक तलाश है, उसके बारे में पूछ रहा था, जानना चाह रहा था क्या एक तलाश है इसका। अब मुझे जमीन से आपका एक तलाश है वो हाँ, वो इस मसले मसाइल में चलते रहता है, अजीत के मसले में, बरेली के मसले में, वो थोड़ी है वो। नहीं, दूसरों बताइए ना क्या एक तलाश है। अरे मौकिफ पर इख्तलाफ होता है ना भाई, वो उसके मौकिफ के कायल नहीं है। अच्छा, हाँ तो फिर बात की आपने कभी आपकी जमीन से उसके ताल्लुक मैं तो से? किताब ही दे दिया था ना शेख को। हाँ, क्या बोले? पता नहीं, पढ़ने के बाद बोले होंगे कुछ, बताए होंगे कुछ। मैं तो किताब ही पहुंचा दिया था, अपने हाथ से दिया था। अच्छा, तो फिर आपने पूछा कभी? नहीं पूछना, इससे पूछते थोड़ी हैं जी भाई, बयान देते हैं ना, तो जब आलिम बयान देता है तो बयान में अपना मौकिफ बयान करता है ना। तो उन्होंने उसको जो उसके बयान देते हैं वो अबू जमीर दलाल भी रखते हैं ना, उसके क्या रखते हैं? दलाल, उसके दलाल देते हैं ना। हाँ हाँ, तो रखना चाहिए ना, क्या मसला है? हाँ, तो फिर भी इस तरह से हो आप नहीं समझोगे भाई, जब आपको बात समझ में नहीं आ रही तो आप कैसे तो समझोगे? मैं तो वही बता रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा सा समझाओ क्या है बताओ। अरे आप एल एदी तो जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। मैं कैसे मानूं? कोई इख्तलाफ का फायदा उठा के मुकल्लिद भी तो फोन कर सकता है। अभी आपके ऊपर, आप क्या सोचेंगे? नहीं, कोई मौके पर आपसे आदमी से मिला बात हूँ कर रहा हूँ। आपसे मिला हूँ ना, इसलिए हाँ भाई, मिले हाँ वहाँ तो मैं बहुत एक सारे बार लोग मिलते सुनिए हैं। सुनिए सुनिए, अभी मिले आपको याद दिलाता हूँ। एक बार अबू जमी हम लोग बुढ़ानपुर नहीं आए थे, रुक रहे। हम दोनों आए थे हाँ हाँ बुढ़ानपुर, याद है आपको? तो अबू जमी का प्रोग्राम था स्टेट पे, हम दोनों हाँ साथ में आए थे, मैं और अबू जमीर हाँ मिले हाँ आपसे मुझसे अब तो, इसलिए मैं वो सुना मैं आपके बात। मैं बोला आपने कहा कि अबू जमीर से हमारा इख्तलाफ, मैं वही सोच रहा था भाई, क्या अब आप तो नहीं क्या अरे वो मिले मिसाल हो? दी गई है भाई, मिसाल में हाँ ये बात बोली जाती है कि अगर हमारे इख्तलाफ भी हो तो ऐसा नहीं किया जाता। अच्छा, अब इख्तलाफ तो बहुत सारे मसाइल में हो सकता है, तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। तो मैं वही सोच रहा हाँ क्या एक तरह पे अब हम उसने सुनो, फोन हम किया। बोलते हैं अमीरुल मोमिनीन यजीद, अबू जमीर बोलते हैं अब तुम क्या कहा तुमने? अमीरुल मोमिनीन यजीद। अच्छा, अब उसे जमीन नहीं बोलेंगे तो हो गया ना इख्तलाफ। अच्छा, वो एक बात है, मैं जी बात करूंगा अबू जमीर से और इस मसले में। और ये कोई इतना बड़ा अच्छा, मसला नहीं है, ये इख्तलाफ अपनी जगह रख सकता है आदमी, उसको हक है, आप भी रख सकते हो, मैं भी रख सकता हूँ। लेकिन इख्तलाफ को बुनियाद बनाकर मैं आप पे इल्जाम लगाऊं, आप पे झूठे झूठे इल्जाम लगाऊं और आपको बदनाम करूं, ये गलत है, ये बोला जा रहा है वहां पर। और वो आपने आपने बोले कि आसिफ भाई चोरे वगैरह फेसबुक पे बोले थे, कुछ कमेंट्स करे, हाँ 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 तो बिल्कुल, क्या चोरी किया आसिफ भाई ने? हिसाब नहीं दिए ना वहां का, हिसाब नहीं दिए ना, किसका हिसाब? किसी को? काय का हिसाब? हाँ, तो काय का हिसाब वही पूछ रहा हूँ। अरे आप किसके, अबू जमीर के साथ हो गए, आसिफ चोर के साथ हो? अल्लाह अकबर, आप बुतान बांध रहे हैं किसी पे? नहीं सुनो नहीं तो पहले आसिफ के बताओ ना हिसाब, आप किसके साथ हो। मैं दोनों के साथ हूँ। अच्छा दोनों के साथ है। हाँ हाँ, तो वो जो दोनों की बैतुल आदत माल नहीं है। था, जो बैतुल माल था जिसमें आसिफ भाई को जिम्मेदार बनाया गया, तो उसके हिसाब दिए थे उन्होंने? किसको? अच्छा, किसके पास था माल वो? हाँ बताइए ना किसके पास था। हाँ, तो बताइए ना, तुमको तुमको क्या, किसने कहा कि आसिफ भाई के पास माल था? हाँ मुझे पूना के मोहतबर लोगों ने कहा। कौन, नाम बताइए। अरे आमिर है, बहुत सारे लोग हैं, उसमें नाम बताने की आमिर? जरूरत, आपको नहीं मालूम क्या? अच्छा, आमिर ने क्या बोला, आसिफ भाई का माल था? हाँ अरे, आपने मान लिया तो फिर और किसकी मानेंगे? तो आमिर ने बोल दिया मान लिया आपने, अगर उसने गलत हाँ बोला जी, तो उसको गुनाह आप ही लगेगा। तो आप तो पहले सबूत दो हाँ, तो वही बोल कि रहा था, आपके आप बोलने से सबूत गलत हो जाएगा। सुनिए। हाँ, तो आप सबूत मांगना चाहिए ना। आप देखिए ना, हम तो मांग रहे, हम तो आसिफ चोर को फोन किए, फोन नहीं उठा रहे, अरे हम आपको भाई कैसे फोन सुनिए करेंगे? सुनिए, हम आप तो 2 दिन 4 दिन पहले उनको डायरेक्ट बात करने के लिए फोन किए थे। बोतान अरे भाई सुनो भाई, किसी भी बोतान बांधने के बोले उसकी तुम तो बांधे ही नहीं, किस्त सुने, तो करो, बोतान फिर तो बांधे ही नहीं है। तुम चोर कैसे बोले? क्या तुमने देखा, क्या क्या बिल्कुल चोरी बोलेंगे की, चोर, क्या चोरी की?
भाई उसने हमको क्या बोला है, मनाज एलईडीज का आदमी नहीं है, ये एलईडीज नहीं है, सुने, वो बात नहीं चोर, सुने, सब बोलेंगे हम, सुनो सुनो ये इल्जामी जवाब है, सुनो ना भाई, वो तो तुमने बोले ना, अच्छा मैं एलईडीज नहीं हूँ, अरे भाई नहीं पहले बताओ, नहीं नहीं अपनी बात, चोर बोलना ज्यादा बड़ी, चोर बोलना ज्यादा बड़ा गुनाह है, सुनो ना भाई, आदमी को ये बोलना एलईडीज नहीं है, सुनना आदमी को बोले ना चोर पे, उससे बात करो, आसिफ भाई कौन सा भाई तुम्हारे हिसाब में दिए, तुमको कैसे फोन नहीं उठा रहे ना, कैसे बात करेंगे, तो चोर में जाएंगे, अरे आज में जाएंगे क्या, फोन नहीं उठाएंगे तो कैसे चोर होता है आपके, आसिफ भाई नायब अमीर है, हर किसी का हायर करते फोन उठाते, आसिफ बहुत काम है, अरे तो मैं भी नायब अमीर हूँ, मेरा तो उठाना चाहिए ना, फिर उस वक्त में रहेगा, कुछ भी रहेगा तो चोर, तो आप हुए मैं नहीं, अरे भाई वो उनके वक्त आप हुए मैं नहीं, मैं तो मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मेरा तो उठाना चाहिए, अभी तुम्हारे जिस पे लिखा है क्या तुम जिम्मेदार है बोल के, तुम्हारे पे मालूम है, सुनो मालूम है, सुनो किसी भी सब मानने वालों को मालूम है, किसी भी बोतान मानने को दस बस सोचो, समझे ना, तो सुनो जमीर भाई से पूछो कि आसिफ भाई चोर है क्या, हिसाब दिए गया, तुम झूठ वो झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मान लिए, अरे हिसाब दिए क्या भाई, अरे हिसाब दिए क्या, ये बताओ हिसाब किसके पास था, कितने उधार छोड़ा, अब तो मोदी भाई सुनो, आसिफ भाई के पास बैतुल माल नहीं था, बैतुल माल जो है अकाउंट है वो किसी और के नाम पे, किसके नाम पे, वो है जमील भाई और वाइट हाउस के समीर भाई, वो अकाउंट के जिम्मेदार है, तो आसिफ भाई सब पैसे देंगे, तो निकालने का वो नहीं, सुने सुने जिम्मेदार कौन था बैतुल माल का, वो समीर भाई और जमील भाई, जिम्मेदार पूछ रहा हूँ, जिम्मेदार जिसके नाम पे अकाउंट है वो उसका नाम बता रहा हूँ मैं, वो साइन लेके पैसे निकालने के, अकाउंट इसके नाम पर होता है, ये तो खजांची भी हो सकता है, तो फिर पैसे कौन निकालेगा, वो क्या ये खजांची नहीं होता, तुम्हारा आता नहीं ऑर्गेनाइजेशन का, जिम्मेदार अमीर होता है, अरे भाई पैसे कौन निकालेंगे, अकाउंट में पैसे निकालेंगे, अच्छा ये आसिफ भाई निकालेंगे, वो अल्लाह के बंदो, पहले ठंडे दिमाग से, मैं भी वही नितिन भाई मैं वही पूछ रहा हूँ आपको, देखो थोड़ा ठंडे दिमाग से आराम से, आराम से ना, जल्दी नहीं, आराम से, मैं जो वही वही बता रहा हूँ, अकाउंट किसके नाम पे, कुछ बता नहीं रहे तुम, बोले जा रहे हो वो समझ कुछ नहीं रहे, अकाउंट किसके नाम पे, किसके नाम पे, तो वही तो पूछ रहा हूँ तुमको, तुमको अकाउंट किसके नाम पे वही नहीं मालूम, तुम बोल रहे हो चोरे, तो भाई मेरे को तो मालूम नहीं, मैंने कब बोला मेरे को मालूम है, जो तुम मेरे से पूछ रहे हो, मालूम है तो जो बात है ना, मुझे पूना के साथियों ने बताया है किसके नाम पे, अरे उसको भी मालूम नहीं होगा, वो अमीर को भी वो ये रहा है, उसको नाम पे उसको पूछो, अकाउंट किसके नाम पे, सुनो जिसके नाम पे अकाउंट होता ना, अरे उसको हिसाब देना पड़ता है, अरे क्या बोली जा रही है, लगती है जब वो पैसे निकाल सकता, मेरी समझ में नहीं आया, भोदान मान रहे उसने सामने ये रहा है, उसने बोल दिया, मेरी समझ में नहीं, मेरी समझ में नहीं आया, तुमको समझ में नहीं आएगा भाई, तुम नहीं मालूम, जो मेरी समझ में नहीं आएगा, तुमको इतना समझ नहीं आ रहा, जिसके नाम पे अकाउंट होता है वो उसके साइन लगती है, जब वो पैसे निकालेंगे ना, हाँ हाँ, फिर वो चोर होगा, वो चोर अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा तो वो टीम ने आज तक हिसाब दी, कौन सी टीम ने, वही टीम ने, अरे जब अकाउंट उसके नाम पे है तो हिसाब कैसे देंगे, तुम इतना बात समझ नहीं आ रही क्या, अकाउंट किसके नाम पे है, अरे तुम्हारे हिसाब से मेरे को समझाओगे कि कानून के हिसाब से मैं समझूंगा, कानून का समझ रहा, जिसके नाम पे अकाउंट होता है बैंक में वो पैसे निकालता है, तो वो जो जिसने उसको हिसाब देना चाहिए, पैसे कहाँ निकाला, किधर दिया, किसको दिया, वो सब देना चाहिए कि आसिफ भाई देना चाहिए, अकाउंट किसके नाम पे मेरे भाई, अच्छा पहले बताओ उस बैतुल माल का जिम्मेदार कौन, वो तुमको पता नहीं क्या, हाँ मुझे बताए कि तो आसिफ भाई जिम्मेदार थे, अरे भाई मेरे भाई ये तुमको इन्होंने, अच्छा ये जिम्मेदार नहीं, सुनो सुनो तुम्हारे मालूमत के लिए बोल रहा, समीर भाई व्हाइट हाउस में रहते, वो जमील भाई वो दो बैतुल माल के जिम्मेदार है, वो उनके अकाउंट उनके नाम पे वो साइन कर वो पैसे निकालते हैं, मेरे भाई तुमको ये नहीं मालूम कि अकाउंट के जिम्मेदार कौन है, तुम डायरेक्ट किसे भोदान बांध दे, झूठ सुनो 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 मेरे भाई, तुम्हारे सुनो भाई सुन जरा, सुन भाई मेरे भाई, अल्लाह के बंदे सुन जरा, छोड़े देना अल्लाह के बंदे, मेरी बात सुन, तो उन्होंने ये जिम्मेदार नहीं थे तो अदा किस चीज का छोड़े थे, ये बात मुझे अलग है, सुनना ये भाई मेरे भाई ये मुझे अलग है, ये बात तुमने भोजन मांगे ना, ये बांधो सुनना, अरे भाई मेरे भाई सुनना, भोजन मांगा ना, पर इससे बात कर, वो अलग मुझे, अरे ये तो आधी बात हुई ना, आधी बात किस चीज का छोड़े थे, तुमने जो भोजन बांधे ना चोर बोल के, किस चीज का छोड़े थे वो, क्या वो अलग है, वो बताओ मुझे, वो अलग है मुझे, क्यों छोड़े, क्या छोड़े, बताओ ना, डर क्यों रहे हो, जो डर क्यों रहे हो, तो बता रहा मैं तो, अरे मेरे भाई तुमको पता नहीं माल के जिम्मेदार कौन है, ये नहीं माल तुमने बोला, अल्लाह का जवाब देंगे, अल्लाह से डरो,
किसी बोतान मत बांधो, एक काम करो, मुतवर आदमी जमीर भाई शेख अबू जमीर से पूछो, सुनो 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 भाई, शेख अबू जमीर से पूछो, आशीर्वाद शोर है क्या, पहले ये पूछो मुतवर आदमी है कि नहीं। सुनो 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 मेरे भाई, मेरे भाई सुन ना, अल्लाह के लिए सुन मेरे भाई, मेरे भाई सुन जरा, ए भाई सुन जरा, ए भाई मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं सुनूंगा भाई। आप जमीर को मुतवर मानते कि नहीं मानते? तो तुम्हारे हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगा। जमीर भाई को मुतवर मानते हैं? तुम्हारे हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा। तुमने तुम्हारे हिसाब से मैं बिल्कुल नहीं चलूंगा। अबू जमीर को जमीयत में तो वो जमीयत में तो अभी आए होंगे, वो सब ये जज्बाती डायलॉग नहीं मानते, जज्बाती डायलॉग नहीं मारने का, जज्बाती डायलॉग नहीं मारने का, चाहे लोग मरो तो उससे मैं नहीं मुतवर नहीं मानते। जवाब नहीं करते, पहले बताओ कि ऑर्डर किस चीज का छोड़ा था? मुतवर नहीं मानते जो पुना में वो है, उनसे पूछो ना, उनसे एक बार पूछो, ऑर्डर उनसे नहीं पूछने की जरूरत है, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है मेरे को, अल्लाह उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, चाहे लोग से पूछेंगे बिल्कुल।